पराशर जी भोपाल, राधे राधे मोहन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है, फिर मरणोपरांत पिंड दान, पित्त तर्पण इत्यादि जानने की परंपरा का क्या औपचारिक? जैसे हम अपने पैसे भारत सरकार के बैंक में यदि जमा है ना, तो कहीं भी भेज सकते हैं, भेज सकते हैं ना। तो ऐसे जब हम पिंड दान देते हैं मंत्रों के द्वारा, तो भगवान को सबसे पहले पहुंचता है, फिर जहां भी वो जीव होगा तो उसका उसको पुण्य पहुंचा दिया जाएगा। हम बैंक में हमारा पैसा हम कहीं भी भेज सकते हैं ना, किसी को भी दे सकते हैं। तो हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हम जो पिंड दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनको प्राप्त होता है। किसी भी योनि में हो, उनकी उन्नति हो जाएगी। जहाँ भी जिस भी योनि में होंगे तो उनकी उन्नति हो जाएगी, उनका मंगल होना शुरू हो जाएगा। मान लो अशुभ जगह में पड़े तो उनकी उन्नति हो जाएगी, शुभ में है तो और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम उनको प्राप्त होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ चला जाता है। हम जब भगवान, पहले ही बात तो भगवान को ही जाता है और भगवान उसको वहाँ भेज देते हैं, वही तो है सब रूपों में। तो जहाँ भी उनको पता है ना वो जीव इस जगह गया है, उसको भेज देते हैं। हमें पता नहीं कि वो कहाँ गए, लेकिन श्री भगवान को पता है, इसलिए मंत्रों के द्वारा दिया जाता है कि सब मंत्र श्री भगवान के हैं। तो वो वस्तु भगवान को पहुंची, वो पुण्य भगवान को पहुंचा, तो भगवान ने वहाँ उसको पहुंचा दिया, क्योंकि भगवान ही सब जान रहे हैं ना। तो ऐसे विभाग अलग अलग बना हुआ है, भगवान ही धर्मराज के रूप में है, भगवान ही लोकपाल वरुण के रूप में, भगवान ही पवन के रूप में, भगवान ही अग्नि के रूप में। तो जैसे लोकपाल अग्नि के मुख में स्वाहा, तो वो भगवान पहुंचाएंगे। जिसके निमित्त से आहुति दी वो तो सामने भस्म हो गया पदार्थ, लेकिन वो सुकृत उसको प्राप्त होगा। पिंड तो दिया तो सामने ही रखा है, उसे कोई जीव जंतु खा जाएगा, लेकिन उसका जो सुकृत है भाव देने का, वो उस जीवात्मा को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जैसे हमने 100 ब्राह्मण खवाए, 100 संत खवाए, कि ये पुण्य हमारे पितामह को मिले, और संकल्प किया। संकल्प होता मंत्रों के द्वारा, जो ही संकल्प हुआ वो पुण्य उनको प्राप्त हो जाएगा। सरकारी डिपार्टमेंट से भागवतिक जो है ना सरकारी, वो प्राप्त हो जाएगा, व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसीलिए मनाया जाता है कि हमारा कुल परिवार चले, कि अगर हम भगवत प्राप्ति ना कर पाए तो भी हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमारे परिवार में कोई पुण्यात्मा, कोई धर्मात्मा पुत्र होगा तो हमारा कल्याण कर देगा, इसलिए मनाया जाता है। बका कोई बैठा नहीं रहता है, जन्म के कर्म के चक्र चलते रहते हैं, तो पर वो जहाँ भी होगा, बोले बड़ी बुरी दशा थी लेकिन अब सब बदल गया यार, कुछ ही दिनों में बदल गया। उसका मतलब उसके पूर्व संस्कारों में कोई परिवार में ऐसा हुआ कि उसने ऐसा तप किया, ऐसा भजन किया, ऐसा पुण्य किया कि उसकी भी उन्नति हो गई। इसलिए मनाया जाता है कि हमारा कुल परंपरा में कोई दीपक जलाने वाला हो, कोई धर्म करने वाला हो। लेकिन ये लौकिक बात है बच्चा, अलौकिक बात है कि हमको अभी भजन करके मुक्त हो जाना, हमें किसी का भरोसा नहीं करना। अब वो पाप कर्म करेगा तो हमारी दुर्गति भी तो हो जाएगी। शास्त्रों में ऐसा आता है, जिसके कुल का पुत्र ऐसा पैदा हुआ जो विध्वंसक होता है, तो उसके पितर नरक चले जाते हैं, और कुल का पुत्र ऐसा पैदा हुआ पुण्य करने वाला, तो पितर उसके स्वर्ग चले जाते हैं, उत्तम लोकों को जाते हैं। तो अपने को ऐसा जीवन नहीं दूसरे के सहारे जीना, सीधे भगवान के सहारे हो और ऐसा भजन करो कि हमारे को किसी के पिंडदान की जरूरत नहीं, जीते जी मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। क्यों, काहे को दूसरे के सहारे रहे। तो हमें ये भी श्रद्धा रखनी कि जैसे कुल परंपरा में है तो पितर आदि के कल्याण के लिए करे, पर ये लौकिक बात है। अलौकिक बात है कि राधा 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 अब हम दे रहे हैं, अभी से सीधे कल्याण होगा उनका, हमारा भी कल्याण, उनका भी कल्याण, जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य भगवान नाम में, प्रभु के नाम में। ठीक है।